हाय, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पेंट करने वाले हैं ट्री एंड क्लाउड्स। अभी मैंने मेरा सेटअप यहाँ पे बना लिया है। अभी यहाँ पे है कार्ट्रिज पेपर और कलर्स में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टाइटेनियम वाइट, कैडमियम येलो, क्रिम्जन लेक, बर्न सियाना एंड पर्शियन ब्लू। मैं मोस्टली यही कलर्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये लिक्विड वाइट, थोड़ा सा लिक्विड वाइट, क्योंकि कलर्स अच्छे तरीके से मर्ज हो पाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिक्विड वाइट ले लेता हूँ और उसको मैं मेरे पेपर के ऊपर फैला देता हूँ, एकदम लाइटली, एकदम जेंटली। जितना भी पेपर्स, जितना स्पीड में काम कर सकते हो उतना स्पीड में काम करो, ठीक है, क्योंकि एक्रेलिक कलर है, फटाफट सूखता है। इसके लिए तो जितना फटाफट काम सब कर सकते हो, जितने बड़े ब्रश से काम कर सकते हो उतने बड़े ब्रश से काम कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं वाइट कलर ले रहा हूँ, जो अपना लिक्विड वाइट है वो, एंड उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करते चला जा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा लेट सूखे। इसके लिए ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ। बट ट्राई करना कि जितना स्पीड में आप ये कर सकते हो उतना स्पीड में आपको ये कलर फैलाना है, ठीक है। और जितना बड़े ब्रश से कर सकते हो उतना बड़े ब्रश से करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे चाहिए क्लाउड्स, थोड़ा सा ट्री यहाँ पे होगा, एक बॉटम में यहाँ पे ग्राउंड डालूंगा, ठीक है, ये मेरा विजन है। तो पहले क्लाउड के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पर्शियन ब्लू एंड थोड़ा सा उसमें बर्न सियाना ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा सा डल क्लाउड्स मुझे मिले। ओके, एंड थोड़ा सा पर्शियन ब्लू, देयर यू गो। अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड पेपर के ऊपर सिर्फ स्पीडली थोड़ा सा राउंड 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 ऐसे शेप्स बनाने हैं, ओके। एंड बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा वाइट एरिया छोड़ देना है, कंप्लीट कलर नहीं करना है, थोड़ा सा बीच बीच में वाइट कलर छोड़ देना है, वाइट यानी कि वाइट स्पेस छोड़ देना है, नॉट वाइट कलर, हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। एंड अभी साफ़ ब्रश, क्लीन ब्रश लेके अभी जो एरिया जहाँ पे हम लोगों ने वाइट वाइट छोड़ा था उसके ऊपर हम लोग जेंटली राउंड 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 शेप्स में हम लोग ब्रश घुमाएंगे, ठीक है। ट्राई करना है कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो मर्ज नहीं करना है, सब कलर मर्ज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा उसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर ही हम लोग को खाली मर्ज करना है। तो बीच में ही थोड़ा सा लाइट टोन दिखेगा, बीच में ही थोड़ा सा डार्क टोन दिखेगा, समझ में आ रहा है, देयर यू गो, नाइस, ठीक है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो और अच्छी तरीके से ब्लेंड करना, ओके। जस्ट ब्रश को राउंड 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 घुमाओ, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ओके। थोड़े से अभी बाजू में क्लाउड्स बना लेते हैं थोड़े से यहाँ पे, ठीक है। जस्ट देख रहे हो, सिर्फ राउंड 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 ब्रश घुमा रहा हूँ, सिर्फ राउंड राउंड ब्रश। वही टेक्निक है क्लाउड्स के लिए, ये एकदम बेसिक टेक्निक है, इससे भी बहुत अच्छी तरीके से क्लाउड सब बना सकते हो, ठीक है। ब्रश को क्लीन करते हैं एंड अगेन यहाँ पे देख रहे हैं ड्राई कर रहा हूँ, एकदम क्लीन करना है एंड अपने शेप के ऊपर यहाँ पे फिर से राउंड 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 ब्रश घुमाना है, दैट्स इट, ओके। एंड ट्राई करना जितना स्पीड में ये कर सकते हो उतना स्पीड में हम लोग को ये काम करना है, एक्रेलिक कलर में काम करने का यही एक टेक्निक है, जितना स्पीडली काम कर सकते हैं उतना स्पीडली हम लोग उसको बना सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी थोड़े से बाजू में भी एक वाइट, हल्का वाइट क्लाउड्स मुझे चाहिए, तो बीच में थोड़ा सा एक वाइट लेके अभी ये क्लाउड्स के अंदर में थोड़ा सा पेंट करूँगा थोड़ा सा, एंड सेम टेक्निक, ब्रश को खाली राउंड राउंड घुमाना है, दैट्स इट, वेरी नाइस, ओके। बट ट्राई करना है सबका सब कलर हम लोग को मर्ज नहीं करना है, नॉर्मल ही कलर हम लोग को यहाँ पे चाहिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट्स इट, ओके, कूल, वेरी गुड। एंड थोड़ा सा वाइट यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे अगेन क्लाउड्स, नाइस। मेरा हाथ आपको दिखाई देता है कितना फास्ट मैं हाथ को घुमा रहा हूँ, ओके। ट्राई करना जितना स्पीड में काम हो सकता है उतना स्पीड में हम लोग को ये काम करना है, ठीक है। तो ही आप क्लाउड्स अच्छी तरीके से बना सकते हो, ये टेक्निक आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ओके, देयर यू गो, नाइस। थोड़े से नीचे भी क्लाउड्स लेते हैं, यस, नाइस।
थोड़ा 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 कलर करके हम लोग आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अभी मेन काम, फैन ब्रश लेता हूँ, ये मेरे 2 नंबर का ब्रश है मेरे पास, एंड ये फैन ब्रश से वाइट कलर से मैं कंप्लीट यहाँ पे क्लाउड्स बनाऊंगा। जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइट टोन है, वहाँ वहाँ पे मैं इसको पेंट करूँगा। ड्राई ब्रश लेके अगेन मैं उसके ऊपर राउंड राउंड ब्रश स्ट्रोक्स घुमाऊंगा, जस्ट राउंड जस्ट राउंड जस्ट राउंड राउंड, दैट्स इट। ओके नाइस, देखना कितना अच्छे से पैटर्न बन रहा है क्लाउड्स का, वेरी गुड। ओके, सब कलर पूरा का पूरा कलर मर्ज नहीं करना है, थोड़ा बहुत किधर ना किधर तो रखना है, अगेन जस्ट थोड़ा सा कलर लेना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं थोड़े से क्लाउड्स बना लेता हूँ। ओके, फटाफट क्लाउड ड्रॉ करेंगे, ब्रश को क्लीन करेंगे एंड अगेन इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, कम से कम कलर लेना है एंड कम से कम कलर्स पे आपको क्लाउड्स के शेप बनाने हैं। नाइस, देयर यू गो, यस, सिंपल, एकदम सिंपल स्ट्रोक्स में अच्छे तरीके से क्लाउड्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये जो टेक्निक है उसको फॉलो करना। ओके, थोड़ा और वाइट एंड यहाँ पे दूसरे क्लाउड्स, नाइस। ओके, ट्राई करना कि शेप थोड़े से अनइवन हो। ठीक है, क्योंकि क्लाउड कभी इवनली फॉर्म नहीं होता, दैट्स व्हाई मैं जो भी शेप यहाँ पे बना रहा हूँ थोड़ा सा अनइवन ही ट्राई कर रहा हूँ, कि मेरे जो शेप है वो थोड़ा सा अनइवन ही दिखे, अनइवन ही दिखे। ओके, वेरी गुड, जस्ट टेक्निक फॉलो करो एंड जितना स्पीड में हो सकता है उतना स्पीड में काम करो। ओके नाइस, अगेन यहाँ पे थोड़े से क्लाउड्स, सेट, अभी इसको मर्ज कर लेते हैं फटाफट, नाइस। ओके, थोड़े से अभी नीचे मुझे चाहिए क्लाउड्स, तो अगेन मैं यहाँ पे एक डार्क टोन बना लेता हूँ। ओके यस, डार्क के लिए मैं नॉर्मली अपने पास पर्शियन ब्लू है, अपने पास बर्न सियाना है, यस, यहाँ पे मैंने थोड़े से डार्क पैचेस ऐड कर लिए। सेम टेक्निक, जस्ट राउंड घुमाना है, ब्रश लेना है, ब्रश में कलर लेने एंड जस्ट उसको राउंड 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 करके काम करना है। ओके, बट ट्राई करना बिल्कुल भी ब्रश को पेपर के ऊपर दबाना नहीं है। ओके, अगर आप दबा के काम करोगे तो हो सकता है कि आपका पेपर ख़राब हो जाए। ओके, नॉर्मली जेंटली ब्रश को हैंडल करना है, एकदम जेंटली। ओके, यहाँ पे भी दूसरे क्लाउड्स, फटाफट हम लोग ट्राई कर लेते हैं, जितना फटाफट हम लोग काम कर सकते हैं उतने फटाफट अभी इसको मर्ज कर लेते हैं, नाइस। कभी भी मर्जिंग करते वक्त आपका जो ब्रश है बहुत ही क्लीन होना चाहिए एंड ड्राई होना चाहिए। ओके नाइस, थोड़ा सा यहाँ पे, वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट्स इट। दिख रहा है कितने अच्छे तरीके से पैटर्न यहाँ पे बन गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डार्क टोन भी है, लाइट टोन भी है, मिडल टोन भी है एंड हाइलाइट्स के लिए अपने पास वाइट तो है ही। ओके, यस, अभी थोड़े से यहाँ पे हम लोग क्लाउड्स बनाते हैं। अभी मैंने जो वाइट दिया था वो साइड में वो थोड़ा सूख गया, तो अगेन मैं यहाँ पे वाइट कलर अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, लिक्विड वाइट जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था सेम वही कलर है। ओके, देखो जितना बड़े ब्रश से काम कर सकते हो उतने बड़े ब्रश से काम कर सकते हो। ओके, उतना ही अच्छा रहेगा, जितना स्पेस बड़ा रहेगा उतना बड़ा ब्रश, जितना स्पेस कम रहेगा उतना छोटा ब्रश। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फ़ैन ब्रश ले लेता हूँ, सेम वही फ़ैन ब्रश है, ये 4 नंबर का फ़ैन ब्रश है। ओके, थोड़े से लाइट क्लाउड चाहिए ये साइड में, इसके लिए मैं इसमें वाइट ऐड कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे, यस, सेम, दैट्स इट, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, फटाफट मैं उसको मर्ज कर लेता हूँ। ओके,
ताकि मेरा पीछे का जो वाइट है वो भी ना सूखे एंड जो मैंने अभी ब्लू कलर दिया है वो भी ना सूखे। इसके लिए जितने फटाफट हो सकता है उतना फटाफट मैं इसको मर्ज कर लूँगा। यहाँ पे मैं वाइट ले लेता हूँ एंड इसको कर देते हैं मर्ज। नाइस, आई होप आपको ये टेक्निक अच्छी लगी रहेगी। ट्राई करो, ट्राई करने से ही आपको पता चलेगा अच्छा है या बुरा है। वॉट एवर, टेक्निकों से बुरी या फिर अच्छी नहीं होती, टेक्निक सिर्फ आपकी मास्टरी उसमें कितना है वो समझ में आ जाती है। टेक्निक से आप कितने अच्छी तरीके से वो टेक्निक फॉलो करते हो उससे ही आपकी मास्टरी समझ में आ जाती है। ओके, सो यस, क्लाउड्स राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ये कंप्लीट जो क्लाउड्स बनने वाले ये सब यही टेक्निक से बनने वाले। जस्ट ब्रश में कलर ले लो एंड उसको सिर्फ राउंड 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 घुमाना है। नाइस, दैट्स इट। ओके, वेरी गुड। अभी फैन में वाइट कलर एंड ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ पे मुझे क्लाउड चाहिए उस तरीके से मैं यहाँ पे वाइट कलर को अप्लाई करता हूँ। ओके, जितना फटाफट मैं कर सकता हूँ उतना फटाफट मैं इसको पेंट कर रहा हूँ। ओके, नाइस, वेरी गुड। यस, समझ में आ रहा है आपको? जो भी करना हो फटाफट कर, जो भी करना हो फटाफट ट्राई करना। ओके, ताकि कलर ना सूखे। एक बार कलर सूख गया तो फिर वापस से आपको सब टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। इसके लिए जितना कलर गीला है उसमें ही काम करते चले जाना। ओके, नाइस, यहाँ पे भी थोड़े से क्लाउड्स मर्ज कर लेते हैं, ब्रश को क्लीन कर लेते हैं एंड मर्ज। नाइस, ऊपर की तरफ देखना कितना मस्त, कितना मस्त पैटर्न बन गया क्लाउड्स का। ओके, एकदम बेसिक एंड सोबर। ओके, यस, मर्ज कर लेते हैं। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नाइस, चलो, नाइस 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 नाइस। थोड़ा सा यहाँ पे क्लाउड ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं पेंट। ट्राई करेंगे जितना अनइवन बना सकते क्लाउड्स को उतना अनइवन यहाँ पे ड्रॉ करना है। समझ में आया? जितना अनइवन हो सकता है उतना अनइवन। ओके, ये अभी इसको मर्ज कर लेते हैं फटाफट। यस, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, यहाँ पे थोड़े से क्लाउड्स। ओके, अनइवन 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 एंड अनइवन, कोई भी चीज़ इवनली फॉर्म नहीं होनी चाहिए क्लाउड्स पे। इसके लिए मैं यहाँ पे जितना अनइवन स्ट्रोक्स दे सकता हूँ उतने अनइवन में स्ट्रोक्स यहाँ पे देख रहा हूँ। ओके, कूल, और आपको भी वही ट्राई करना है। ओके, सो अनइवन अनइवन इज द की फॉर द क्लाउड्स। ओके, वेरी नाइस। ओके, देखो एक साइड में अच्छी तरीके से डार्क है, एक साइड में अच्छी तरीके से लाइट फॉर्म हो गई है। ठीक है, आप कभी भी स्काई देखते हो तो स्काई में आपको ये पता चलेगा स्काई कभी भी सेम टोन में नहीं होता, सेम कलर में नहीं होता। ठीक है, यस, यहाँ पे भी थोड़े से क्लाउड्स लेते हैं। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। यस, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लाउड। फटाफट फटाफट स्पीड, मेरा हाथ देखो कितने स्पीड में ये काम हो रहा है। ओके, अभी मुझे चाहिए ग्राउंड पोर्शन, तो ग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे अगेन पर्शियन ब्लू थोड़ा सा बर्न से आना। अभी इसमें ब्लू का क्वांटिटी मैंने ज़्यादा किया ताकि मुझे डार्क टोन यहाँ पे चाहिए, प्योर डार्क टोन।
यस, यहाँ पे होगा अपना ग्राउंड। ओके चलो कर लेते हैं पेंट। आपने यहाँ पे देखा कि दो कलर से बहुत ही अच्छा डार्क टोन हमें यहाँ पे मिला। थोड़ा सा ब्लूइश डार्क टोन है क्योंकि मुझे वो टोन चाहिए था, इसके वजह से मैंने वो पेंट किया। ओके नाइस। ओके फटाफट, जितना फटाफट काम हो सकता है उतना फटाफट। मैं सिर्फ यहाँ पे कलर अप्लाई करते चला जा रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो तो देखो क्लाउड्स का शेप में कितना मस्त फॉर्म हो चुका है वो। ओके चलो अभी ग्राउंड के लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर येलो ऐड कर लेता हूँ ताकि ये डल भी दिखे कलर। ठीक है, अभी मेरे पास ग्रीन नहीं है बट मेरे पास ब्लू है एंड येलो है, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से ग्रीन क्रिएट कर सकता हूँ। ओके यस, अभी ये कलर बन गया। सिर्फ अभी ये मेरा 14 नंबर का फैन ब्रश है एंड सिर्फ उस ब्रश से मैं इसके ऊपर टैप करूँगा, ओनली टैप टैप टैप। ओके पीछे की साइड में थोड़े से मुझे छोटे छोटे डॉट्स चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव। अगर मैं सब जगह पे सेम साइज़ में एक रास करूँगा तो इतना खास नहीं दिखेगा, वो डेप्थ उसके अंदर पता नहीं चलेगी। दैट्स वाई मैं पीछे की साइड में थोड़े से छोटे डॉट्स ले रहा हूँ एंड जैसे मैं आगे आगे आते आते चला जा रहा हूँ वैसे मैं थोड़े से बड़े बड़े डॉट्स ले रहा हूँ। जस्ट डॉट्स के लिए क्या करना है, सिर्फ ब्रश को थोड़ा सा प्रेस करना है। ओके सिर्फ थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो पूरा मतलब वो स्ट्रोक्स उसमें अच्छी तरीके से दिखेंगे नहीं। ओके अगेन ये सेकेंड टोन तो हो गया, अभी इसमें मैं और थोड़ा सा येलो ऐड करता हूँ ताकि मुझे और ब्राइट ग्रीन मिले। ओके सिर्फ टैप दिख रहा है, एकदम हल्के हल्के हाथों से टैप करना है। ओके ताकि वो जो डॉट्स है वो बहुत ही छोटे दिखे इसके लिए। ओके यस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड यस। ओके जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे थोड़े से पैचेस जो है हमारे बड़े करेंगे। ठीक है, बड़े करने के लिए नॉर्मल सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही प्रेस करना है। यहाँ पे देखो जैसे हम लोग आगे आ रहे, जैसे मैं आगे आगे आता चला जा रहा हूँ थोड़ा सा ब्रश को प्रेस कर रहा हूँ। ओके एंड पीछे के साइड में मैं नॉर्मली आपने देखा रहेगा थोड़ा थोड़ा एकदम लाइटली हल्का हल्का हाथों से ऐसे टैप करता हूँ ताकि शेप जो है वो मुझे छोटे दिखाई दे। ओके नाइस कूल वेरी कूल। और थोड़ा सा यहाँ पे येलो ऐड कर लेते हैं और थोड़े ब्राइट टोन के लिए। अगेन पीछे से मैं स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा मुझे चाहिए यहाँ पे ब्लू। ओके और थोड़ा सा येलो ऐड कर लेता हूँ एंड ये मेरा हो गया यहाँ पे ब्राइट कलर तैयार। यस परफेक्ट। ओके एक एक टोन में जैसे जैसे ऊपर ऊपर आ रहा हूँ वैसे वैसे मैं टोन को लाइट करते चला जा रहा हूँ। ओके ताकि जो 3D टोन है ग्रास में वो हम लोग को दिखाई दे, और आई गेस ये बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ओके नाइस, पीछे के साइड में एकदम छोटे छोटे टैप्स। ओके क्योंकि डॉट्स मुझे छोटे चाहिए, ये बहुत ही कलर हो गया ब्रश में तो थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। यस नाइस कूल वेरी गुड। सिर्फ जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ठीक है उसको फॉलो करो, आपका पेंटिंग बहुत 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 मस्त हो जाएगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। प्रेस प्रेस करो प्रेस करो प्रेस इट नाइस। ओके ये वाला टोन भी हो गया है अच्छी तरीके से। अभी और थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट के लिए और ब्राइट ग्रीन के लिए मैं यहाँ पे येलो ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा उस ब्रश में कॉर्नर में किधर तो पेंट कर रहा हूँ, कंप्लीट इसमें मर्ज मिक्स नहीं कर रहा हूँ कलर। ये जो येलो है थोड़ा सा कॉर्नर में मैंने लिया। ओके ताकि मुझे ब्राइट अच्छे तरीके से मिले। यस दिख रहा है ये ब्राइट कितना है। एंड सिर्फ जो मैंने पहले वाले जो पैचेस दिए थे उसके ऊपर 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 मैं यहाँ पे कलर को पेंट कर रहा हूँ। ओके
वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। जैसे जैसे करते जा रहे हो वैसे वैसे वे टोन्स जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर ऊपर आता चला जा रहा है। वेरी नाइस, आई लाइक इट। अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जस्ट बट उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, मेरे दिखाने से आपको नहीं आने वाला। वो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक वो नहीं होने वाला। ओके, और थोड़ा सा येल्लो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अभी मेरे पास येल्लो ख़त्म हो गया, अगेन मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे येल्लो। एक सेकेंड एंड ये डन। ओके, अभी ये जो कलर है येल्लो, वापस से मैं थोड़ा सा इसमें मर्ज मिक्स कर लेता हूँ। यस, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्राइट टोन मिल गया मुझे इसमें। अभी सेम, अभी ये जो टोन है मैं सब जगह पे नहीं अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा 3D टोन यहाँ पे दिखे। तो मैं ट्राई करूँगा कि लेफ़्ट साइड में ही ये टोन्स मैं अप्लाई करूँ। ओके, मैं ज़्यादा राइट साइड में इस टोन्स को अप्लाई नहीं करूँगा। वेरी नाइस, सी यस, जस्ट टैप पीछे साइड में थोड़े से छोटा टैप्स। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बड़े बड़े टाइप्स, बड़े यानी कि थोड़ा सा मैं प्रेस कर रहा हूँ, दैट्स इट, ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा हूँ। एक नंबर वाला ग्राउंड हो चुका है, बहुत अच्छा है। यस, आपने देखा, जस्ट यहाँ पे क्लाउड्स हो गए, ग्राउंड भी हो गया, और मुझे यहाँ पे ऊपर चाहिए थोड़ा सा ट्री। क्लाउड में भी देखो, क्लाउड में लेफ़्ट साइड से लाइट आती है, इसके लिए मैंने ग्राउंड में भी लेफ़्ट साइड का जो एरिया है वो मैंने लाइट दिखाया, ब्राइट दिखाया। ओके, यस, अभी थोड़ा थोड़ा सा और हाईलाइट, ये लास्ट वाला टोन रहेगा मेरा, ठीक है। इसके बाद में और लाइट नहीं करूँगा, नॉर्मल छोटे छोटे टैप्स पीछे, छोटे छोटे टैप्स, ज़्यादा नहीं, एकदम ज़्यादा नहीं, नहीं तो अगर मैं और ज़्यादा करूँगा तो ये ख़राब होने के भी चांसेस है। तो कहाँ पे स्टॉप करना है ये हमारे ऊपर है, एंड आई गेस मुझे यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। ओके, यस, और मैं लाइट नहीं करना चाहता, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइट टोन चढ़ा देता हूँ। अगर इसका ये नहीं भी होता तो भी चलता था, बट इट्स ओके, चलेगा, अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे बनाते हैं ट्री। ट्री के लिए अगेन, ओ यहाँ पे कलर सूख गया ये, चलो वहीं पे बना लेते हैं। यस, ब्लू कलर, ये मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, 2 नंबर का, सॉरी ये 6 नंबर का है ब्लू। एंड बर्न्स ये आना एक डार्क टोन, डार्क टोन से पहला मैं हमेशा जो भी करना था पहले डार्क टोन से चालू करता हूँ, मेरी आदत है। ओके, तो यहाँ पे पहले ब्रांचेस बना लेते हैं और ट्रंक भी बना लेते हैं। यस, एकदम छोटा ट्री, एकदम छोटा ट्री लाइक दिस, वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी ब्रांचेस थोड़े से ऐड कर लेते हैं, एंड अभी मुझे चाहिए लीफ का पोर्शन। तो अगेन मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया और येल्लो, येल्लो ऐड करने से थोड़ा सा ग्रीन बन जाएगा, बट मुझे ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि फर्स्ट टोन है, फर्स्ट टोन में हमेशा डार्क ही इस्तेमाल करता हूँ। ओके, मैं ब्रश चेंज कर लेता हूँ, मेरा फैन ब्रश ले लेता हूँ, और उसके पहले मैं यहाँ पे येल्लो भी ऐड करूँगा। यस, नाइस। ओके, ये मैं फैन ब्रश ले लिया और ये बहुत बहुत लाइट हो चुका है, मुझे इतना लाइट नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं थोड़ा सा और ब्लू ऐड कर लेता हूँ ऊपर की साइड में। ओके, थोड़ा सा बर्न्स ही आना, एंड ग्रीन तो अपने पास पहले से पड़ा हुआ ही है। ओके, तो ये डार्क टोन मैं यूज़ करूँगा मेरे लीफ पोर्शन के लिए। ओके, यस, दैट्स इट, चलो करते स्टार्ट एंड ट्राई करेंगे सेम
जितना अनइवन शेप बना सकते हो उतना अनइवन शेप बनाना है। ओके, बिल्कुल भी इवन पोर्शन नहीं चाहिए क्योंकि ट्री है, राइट। ट्री अपने हिसाब से ही फैलता चला जाता है, तो जितना अनइवन शेप बना सकते हो उतना वो ट्री अच्छा दिखेगा। वेरी नाइस। आपने देखा मैं ब्रश को भी थोड़ा सा राउंड 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 घुमा रहा हूँ। ओके नाइस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब ये जो ग्रीन कलर मैंने बनाया था लाइट वाला, ये यूज़ होगा मुझे। अभी लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है ऑब्वियसली, तो मैं जितना ज़्यादा लेफ़्ट साइड में कलर कर सकता हूँ उतना लेफ्ट साइड में मैं ये ग्रीन कलर अप्लाई करूँगा। नाइस। ओके, थोड़ा सा राइट साइड में भी दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, एकदम भी मुझे डार्क नहीं चाहिए वो साइड में, बट सब टोन्स इसके बाद आने वाले जितने भी टोन्स हैं लाइट वाले, वो सब टोन्स में यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? यस। और थोड़ा सा येलो ऐड कर दिया और एक लाइट टोन के लिए, सेम जैसे ग्रास में हम लोग ने यूज़ कर रहे थे कलर्स, सेम वैसे ही। अभी मैं ट्राई करूँगा कि लेफ़्ट साइड में ही लाइट दिखे। ओके यस, चलो स्टार्ट। ओके, हल्का हल्का ब्रश से टैप करना है, हल्का हल्का। वेरी नाइस, गुड। ओके यस, वेरी नाइस, शाबाश, करो, नाइस, गुड। ओके, और थोड़ा सा येलो। लेफ्ट साइड, सिर्फ याद रखना लेफ्ट साइड, पूरे जगह पे नहीं अप्लाई करना है हम लोग को ये टोन। थोड़ा थोड़ा सा अभी हम लोग लाइट के ऊपर भी ध्यान देंगे कि लाइट कैसे चाहिए उस हिसाब से। ओके कूल, नाइस, ओके गुड, यस, वेरी नाइस। थोड़ा सा येलो और, अभी भी ये हाईलाइट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, नाइस, यस, अच्छी तरीके से यहाँ पे ये फॉर्म हो गया ट्री का शेप। ओके, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स। आई गेस आप लोग भी हैप्पी होंगे अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो। ओके, एंड एक डार्क टोन यहाँ पे बना लेते हैं, एंड ये जो ट्रीज का ब्रांचेस है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे पेंट कर लेते हैं। ओके यस, वेरी नाइस, कूल। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइट टोन इसको दिया ताकि वो ट्रंक जो है वो भी थोड़ा 3D दिखाई दे। वेरी नाइस, थोड़ा सा डार्क टोन, क्योंकि डार्क टोन एकदम ही मिट गया था इसका, इसके लिए नाइस, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। ओके नाउ ये हो गया अपना कंप्लीट, बट हम लोगों ने क्लाउड्स बना लिए, ग्राउंड बना लिया, ट्री भी बना लिया, बट हम लोगों ने ट्री का शेडो नहीं ऐड किया, तो ट्री का कर लेते हैं शेडो ऐड। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क टोन, डार्क के लिए यहाँ पे ब्लू, थोड़ा सा येलो ताकि डार्क ग्रीन मुझे मिले, एंड ये हो गया इसका शेडो तैयार। नाइस, वेरी नाइस, यस। अगेन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेंटिंग ख़त्म, और ख़त्म तभी होगा जब ही साइन होगा, तो मैं यहाँ पे मेरी डाल देता हूँ सिग्नेचर। ओके, कलर अच्छी तरीके से बना लेता हूँ, थोड़ा सा पतला कर लेते कलर को। थैंक यू आप लोगों ने ये यहाँ तक पेंटिंग देखा, आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा रहेगा। अगर आप ये ट्राई करते हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इजी था, हार्ड था, जैसे भी था मुझे बता देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग में। हैप्पी पेंटिंग, बाय बाय, टेक केयर।